हाँ तो दोस्तों, अगर आप लोग भी IPL और KKR के फैन हो तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मेरे पास कुछ ऐसी अपडेट निकल कर आ रही हैं KKR से रिलेटेड, जिनको सुनने के बाद भाई आप लोगों को भी शौक लगने वाला है। क्योंकि भैया अपडेट ही इतनी बड़ी है, क्योंकि कहा आप सोच भी नहीं सकते भाई, आंद्रे रसल को लेकर एक ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है कि भैया अभी इससे पहले जो अपडेट निकल कर आ रही थी उससे पूरी तरीके से अपडेट उल्टी निकल कर आ रही है। और भैया साथ ही साथ हमारे पास श्रेयस अय्यर से रिलेटेड भी एक अपडेट निकल कर आ रही है, और KKR किन किन प्लेयरों को रिटेन करने के बारे में सोच रही है, उन सभी चीज़ों के लिए अपडेट निकल कर आ रही है। तो भैया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को पता चल सके कि KKR किन किन प्लेयरों को रिटेन करने के बारे में सोच रही है IPL 2025 से पहले। तो भैया जैसे कि आप लोगों को बताया कि IPL 2025 की रिटेंशन लिस्ट अब जल्दी ही जारी हो जाएगी, 31 अक्टूबर का टाइम है, 2 से 3 दिन ही बचे हैं। तो भैया चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अपडेट क्या है। तो चलिए सबसे पहली बात अपडेट की बात कर लेते हैं भैया, जो कि KKR की तरफ से आ रही है। अभी देखिए KKR की तरफ से जो मीटिंग चल रही है हाल फिलहाल में, अभी मीटिंग चली है अभी, तो उस मीटिंग में भाई एक बड़ा फैसला लिया गया है KKR की इस मीटिंग में, जो कि है भाई आंद्रे रसल को लेकर। देखिए अभी कुछ समय पहले अपडेट निकल कर आ रही थी कि आंद्रे रसल को वो एज अ फर्स्ट रिटेंशन देख रहे हैं KKR वाले, एंड भाई अब उसके उल्टा ही अपडेट निकल कर आ रही है कि अब आंद्रे रसल को भाई KKR की टीम रिटेन करने के बारे में मतलब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है भाई KKR की टीम आंद्रे रसल को रिटेन करने के लिए। तो भैया ये रिपोर्ट रेबिट स्पोर्ट्स की तरफ से निकल कर आ रही है। हाल फिलहाल में KKR की मीटिंग हुई जिसमें कि भाई काफ़ी सारे सवाल उठे कि श्रेयस अय्यर को लेकर, आंद्रे रसल को लेकर, इन दोनों प्लेयरों को लेकर ज़्यादातर सवाल उठ रहे थे कि हम कैसे भी करके क्या श्रेयस अय्यर को रिटेन करें, क्या आंद्रे रसल को क्या होगा। तो भैया उन सभी चीज़ों में निकल कर आया एक बड़ी अपडेट कि भैया वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आंद्रे रसल को लेकर रिटेन करने को लेकर, क्योंकि देखिए एक 18 करोड़ का अमाउंट जो शायद हमने अभी कुछ देर पहले सुना था कि आंद्रे रसल चाहते हैं। तो भैया फाइनली अब इस मीटिंग में शायद यही डिसाइड हुआ है कि आंद्रे रसल इतना बड़ा रकम डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी ज़्यादा नहीं खेल रहे हैं और वो बाहर की लीग से ही ज़्यादा खेलते रहते हैं। तो भैया इतना बड़ा रकम देने के लिए KKR शायद उनको तैयार नहीं है, और हो सकता है कि आंद्रे रसल को वो रिटेन करे, और बल्कि वो RTM के तहत रिटेन करेगी। ज़्यादातर चांसेस यही है कि वो RTM के तहत खरीद सकती है KKR को, लेकिन भाई अब जो कि निकल कर आ रहा है कि आंद्रे रसल को KKR की टीम रिटेन करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगले डिस्कशन की बात कर लेते हैं जो कि इस मीटिंग में हुई थी कि श्रेयस अय्यर को रिटेन किया जाए या नहीं किया जाए। तो फिलहाल दोस्तों हमारे पास अपडेट निकल कर आ रही है कि इस मीटिंग में श्रेयस अय्यर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हुई थी। अभी हम लोग सुनने में आ रहे थे कि ऑक्शन में जाएंगे श्रेयस अय्यर, लेकिन अभी फिलहाल अपडेट से यही पता चल रहा है कि श्रेयस अय्यर के बारे में अभी भी KKR की टीम सोच रही है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक कैप्टन ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है इस IPL 2025 में किसी भी टीम के लिए। तो भैया श्रेयस अय्यर के बारे में अभी भी KKR की टीम सोच रही है। तो कुल मिलाकर इस मीटिंग में अभी हम लोगों के पास जितनी भी अपडेट निकल कर आई हैं वो ये दो ही अपडेट निकल कर आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं KKR की टीम आखिर किन किन प्लेयरों को रिटेन करेगी उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहला नाम बड़ा निकल कर आ रहा है जो कि सुनील नारायण का है, दूसरा नाम रिंकू सिंह का है, और तीसरा नाम भाई वरुण चक्रवर्ती का निकल कर आ रहा है, जिनको KKR की टीम रिटेन कर सकती है IPL 2025 से पहले। देखिए रिंकू, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ये लगभग कंफर्म नज़र आ रहे हैं। बाकी भैया अनकैप्ड के तौर पर वो हर्षित राणा, और एक भाई अनकैप्ड के तौर पर एक और खिलाड़ी हो सकता है रमनदीप, इन दोनों को खरीद सकती है अनकैप्ड के या फिर इनमें से एक हो सकता है, या फिर दोनों को ही खरीद सकती है रमनदीप और हर्षित राणा। बाकी रिटेंशन की बात करें तो सुनील नारायण, रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती लगभग 90% कंफर्म नज़र आ रहे हैं। बाकी भैया ये एक बड़ी अपडेट है और श्रेयस अय्यर के बारे में अभी भी वो सोच रही है। बाकी दोस्तों इसके अलावा कोई और अपडेट निकल कर आती है तो आप लोगों के पास सबसे पहले आएंगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो